अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका राना की रसोई में। आज हम आपके साथ जो डिश शेयर करने वाले हैं वो अरहर दाल से बनाने वाले हैं। किसी भी तरह का पानी हो, कहते हैं कि दाल गलती नहीं, सीवर का पानी हो या फिर बोरिंग का, तो मैं आज आपको बताऊंगी एकदम सिंपल और आसान तरीका कि आप हर तरह के पानी से दाल गला सकते हैं। तो मैंने ये 200 ग्राम दाल ली है और मैं इसको अब इस कुकर में पलट दूंगी। ये धो के मैंने थोड़ी देर के लिए धूप में सुखाई थी, वरना बिना धुले ये हम पका नहीं पाते, इसलिए हमने सुखाई थी। तो इसको मैं गैस पे अब भूनूंगी। चलिए इसको भून लेते हैं। पहले दाल मैंने रोस्ट करने के लिए रख दी है और इसको जब तक रोस्ट करना जब तक इसमें से अच्छी खुशबू नहीं आने लगती। और ये अरहर की दाल बेशक है, लेकिन जो जो चीज़ें मैं आपको इसमें बताऊंगी, जो जो चीज़ें इसमें ऐड करूंगी, वो चीज़ आप स्किप ना करें, वीडियो को पूरा देखें, जब ये आपको समझ आएगा मैंने इसमें क्या क्या चीज़ ली है। तो इसको मैं पहले रोस्ट होने देती हूँ, उसके बाद दिखाती हूँ आपको। अब एक इसमें अच्छी सी खुशबू आने लगी है। अब इसमें मैं डालूंगी, ये देखिएगा सीवर का ही पानी है, मैंने फिल्टर का पानी नहीं लिया है। दो प्याली इसमें मुझे पानी ऐड करना है। बस इतना ही पानी डालूंगी। अब मसाले डाल लेती हूँ। वन टेबल स्पून नमक, वन टेबल स्पून मिर्ची पाउडर, थोड़ा कम ही लिया है, और ये वन टेबल स्पून हल्दी पाउडर, और ये इमली आधा ले लूंगी टुकड़ा। अगर आपके पास इमली है तो इमली ले, और ये नहीं है तो आप सूखी खटाई ले, ये चीज जरूर डालें। इसको दो सीटी आने तक पकने दूंगी और दो सीटी में माशाल्लाह से ये दाल बनके तैयार हो जाएगी। चलिए बनने देते हैं, इसको ढक्कन लगा देते हैं। बनने रख दी है मैंने, बाकी की तैयारी कर लेती हूँ जो फ्राई के लिए चाहिए मुझे तड़के के लिए। तो मैंने ये 100 ग्राम पनीर लिया है, 200 ग्राम दाल में 100 ग्राम पनीर डालूंगी। इसको मैं कस लूंगी, कद्दूकस करना है मुझे। कद्दूकस करके इस तरह से डालेंगे। दो सीटी आने तक मैंने इसको पकाया था, तीसरी सीटी इसमें गैस भर के छोड़ती थी। अब देखते हैं कैसी हो गई ये दाल। माशाल्लाह दाल बिल्कुल ऐसी चाहिए थी मुझे, दाल बन के तैयार है। तो चलिए फ्राई कर लेते हैं इसको। गैस पे कढ़ाई रख दी है मैंने, इसमें मैं ये ऑयल डालूंगी। इसको गर्म होने देंगे, प्याज डाल देंगे, कुटा हुआ लहसुन, जीरा, नून, दो मिर्ची, दाल फ्राई बनाना है तो आप इसी तरह से बना, बहुत टेस्टी बन के तैयार होती है। अब इसमें डालूंगी ये धनिया पाउडर जो मैंने आधा चम्मच ले लिया था, और ये टमाटर, इसको भून लूंगी धनिया के साथ। अब डाल देंगे ये सारी दाल। इसके बाद डालेंगे पनीर,
थोड़ा धनिया, गैस को ऑफ कर देते हैं। दाल फ्राई आप ऐसी बना के खाएंगे तो इसके आप जबरदस्त फैन हो जाएंगे। टेस्टी दाल फ्राई बनाएं और ज़रूर खाएं।